देखिए, उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार किस तरह से काम कर रही है उसका एक बड़ा उदाहरण है जहां मैं ये खड़ा हूं। ये गंगा पर 6 लेन का एक्स्ट्रा डोज्ड पुल बनने जा रहा है, यानी इसमें गर्डर भी होंगे, बॉक्स भी होंगे, केबल भी होगा। और ये जब मैं नवंबर में आया था और तब मैंने दिखाया था कि तब गडकरी जी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इसकी शुरुआत करके गए थे, तो अब ये प्रयागराज के लोगों को बहुत अच्छे से, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये भी एक जो कहें कि उसका जो बेस होता है वो बन रहा है। और अब जरा मैं दूसरी तरफ दिखाता हूँ आपको, ये जो मेरे पीछे दिख रहा है इसमें आप देखें तो बहुत साफ साफ दिखेगा कि 24 घंटे काम चल रहा है। आपको बड़ी बड़ी मशीनें दिख रही होंगी, जो पीली मशीनें दिख रही हैं, और ये नीचे से पिलर लेकर और ये पूरा जो पुल है ये 10 किलोमीटर का पुल है। टेंडर निकालने से लेकर, काम देने से लेकर और उसको तेजी से पूरा करने का काम, ये सब इस तेजी से हो रहा है। निश्चित तौर पर ये उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले नहीं हो जाने वाला है, लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है उसकी तेजी और उसके काम करने की जो क्षमता है वो इसमें ज़रूर दिखती है। और इसको 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन जनता को ये ज़रूर दिखेगा कि किस तरह से डबल इंजन की सरकार विकास के कामों में ज़रा सा भी ढिलाई नहीं बरतती। मैं इसको खड़ा हूँ उसी साइट पर प्रयागराज में जहाँ से मलाक हरहर से ये पुल जाना है स्टैनली रोड पर, यानी जिसको हम बेली हॉस्पिटल के पास कहते हैं, वहाँ ये जाकर गिरेगा। तो जो पुराना चंद्रशेखर आज़ाद सेतु है जिसको अभी मरम्मत के लिए कुछ दिन के लिए बंद किया जाएगा, तो पॉन्टून पुल बनाया जाएगा, तो ये उसी के पैरेलल है। और अपने आप में ये पूरा जो कहें कि शहर के बाहर का इलाका है, जो लखनऊ से लोग आते हैं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद से लोग आते हैं, और ये पूरी नई बस्ती बस जाएगी। आप ये समझिए कि ये नया इलाका हो जाएगा। तो कैसे विकास काम हो रहा है और विकास कामों से कैसे किसी क्षेत्र की सूरत बदलती है, जीवन शैली बदल जाती है, प्रयागराज के लोगों के लिए जो इतने समय से वो सब कुछ मांग रहे थे वो उनको मिला और बहुत तेज़ी में ये काम हो रहा है। मैं जानबूझ के बहुत आगे निकल रहा हूँ क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन कंपनी भी नहीं चाहती है कि इस तरह के कामों को दिखाएं, वो आगे जाने से वो रोकते भी हैं क्योंकि काम धाम चल रहा है सुरक्षा के लिहाज से भी, लेकिन इससे आपको ये ज़रूर समझ में आ गया होगा।